मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू, जल्दी मिलने आऊंगा। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? जरूरत मुझे मेरी मोहब्बत ने, मेरे जज्बात ने दी है। बकवास बंद करो। मैं बकवास नहीं कर रहा आंटी, फरियाद कर रहा हूँ। पूछे सायरा से आप कि इसकी और वलीद की शादी से पहले हम कितनी मोहब्बत करते थे। क्या पूछूं मैं सायरा से, ये दावा करने वाले तो गली गली में है, किस किस से पूछूं मैं? आंटी मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ सायरा से, पूछे ना उससे क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए। अपने घर वालों से लड़ा, अपना घर बार छोड़ा मैंने, जो मैंने वादे से किए पूरे निभाए तो है मैंने, जो कुछ भी इसने मुझसे मांगा मैंने इसको ला कर दिया। आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें, वलीद भाई ने हमारी मोहब्बत पर डाका मारा था। तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अरे तुमने तो अपने सगे भाई के साथ भी बेईमानी की है। जब साहिर और वलीद की शादी हो गई थी तो तुम रास्ते से हटे क्यों नहीं? क्योंकि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक से होती है आंटी, ना वो रिश्ते देखती है और ना ही जमाने की परवाह करती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ आंटी, सायरा की शादी मुझसे करवा दो, कहती है मैं पांव पड़ लूंगा आपके। ये मोहब्बत नहीं, बेगैरती है, बदकिरदारी है, लानत हो ऐसी मोहब्बत पर। और तुम्हारी और सायरा की शादी करके मैं वलीद, तुम्हारे माँ बाप और फातिमा की नजरों में गिरना नहीं चाहती। निकल जाओ यहाँ से। आंटी ऐसा मत कहें आंटी प्लीज, मैं फिर हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। साहिरा तुम खबरदार जो तुम्हारी ज़बान पर इस मनहूस लड़की का नाम आया, जो मेरी बेटी नहीं बदनामी है, शर्मानी चाहिए, लानत है तुम जैसे लोगों के ऊपर। अरे अपने भाई, सगे भाई की बीवी को तलाक दिला कर उसके साथ शादी करने का शौक चढ़ा तुम्हें, बेगैरत इंसान, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? आंटी मेरी बात समझिए। निकल जाओ, दबा हो जाओ यहाँ से। तहमीना, छोकर दरवाजा बंद कर दो।